हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है डिस्कस करने जा रहे हैं और इसका नाम है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ये क्वेश्चन हर साल लगभग बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता है, तो जो भी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं वह इस क्लास को मिस ना करें। 5-6 मिनट की क्लास है, कापी पेन भी मैं नहीं कहता हूँ कि साथ में लेकर बैठिए, ना लेकर बैठिए, बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, दिमाग में ये आपके छप जाने वाला है जिस लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में बताने से पहले आपको हम बता दें कि आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना पता होगी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है? जब किसी धातु की सतह पर एक हम निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित करते हैं तो क्या होता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है, ठीक है ना, और इस घटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जान गए कि नहीं जान गए? आप क्या कहोगे? जब हम एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित करते हैं तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। प्रकाश की इस घटना को हम भैया प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में यह बताया गया कि जो ये प्रकाश होता है, ये जो प्रकाश हम जब किसी धातु की सतह पर आपतित करते हैं तो ये जो प्रकाश चलता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में क्या बताया गया कि जो प्रकाश है हमारा वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। यानी जो ये आपतित प्रकाश होता है ये फोटॉनों के रूप में किस पर आपतित होता है? धातु की सतह पर आपतित होता है। और एक फोटॉन की जो ऊर्जा होती है वो भैया एच न्यू होती है। क्या होती है? एच न्यू होती है, जहाँ एच होता है भैया प्लांक नियतांक, जिसका मान होता है 6.67 × 10¹⁴ जूल प्रति कूलम। और यहाँ पर जो न्यू होता है वो होती है आवृत्ति, और जो न्यू नाट होती है वो होती है देहली आवृत्ति, ठीक। तो उसके बारे में तो अभी बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पर जान लीजिए कि जो ये प्रकाश होता है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में ये बताया गया कि जो हमारा प्रकाश होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिसे हम फोटॉन कहते हैं, और एक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू होती है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में आपने पढ़ा है कि प्रकाश को क्या करते हैं? धातु की सतह पर भैया आपतित करते हैं और धातु के अंदर पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो जब क्योंकि प्रकाश जो है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है, अब जैसे ही ये फोटॉन क्या होता है अपनी ऊर्जा, जैसे धातु की सतह पर आपतित हुआ तो आपतित होने पर क्या करेगा? धातु के अंदर जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उनको ये अपनी ऊर्जा को क्या कर देता है? दे देता है और अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है। आप क्या कहोगे कि जो ये आपका प्रकाश होता है फोटॉनों के रूप में चलता है, एक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू होती है, जैसे ये प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो ये जो फोटॉन होता है ये अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दे देता है और अपना अस्तित्व खत्म कर लेता है। अब जो ये धातु की सतह के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु की सतह के अंदर उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस ऊर्जा को दो प्रकार से व्यय करते हैं। ध्यान से समझिएगा, आप समझ गए ना तो एकदम छप जाएगा दिमाग में। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इस एच न्यू ऊर्जा को दो प्रकार से व्यय करते हैं। पहले देखो क्या करते हैं, ये इस धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं। मैंने कहा ना कि ये प्रकाश आपतित होता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो ये जो एच न्यू ऊर्जा अब्सॉर्ब करते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। इस एच न्यू ऊर्जा का जो कुछ भाग होता है वो इस धातु की सतह से बाहर निकलने में व्यय करते हैं, और जो कुछ ऊर्जा बचती है उस ऊर्जा को वो गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय करते हैं, ठीक है। इस प्रकार ये दो प्रकार से ऊर्जा व्यय करते हैं। कौन? धातु की सतह के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक। ये एनर्जी पाते कहाँ से हैं? ये एनर्जी फोटॉन से पाते हैं। फोटॉन कहाँ से आता है? फोटॉन जो है प्रकाश होता है फोटॉनों के रूप में चलता है, एक फोटॉन की ऊर्जा एच न्यू होती है, और ये जब फोटॉन अपनी एनर्जी को धातु के अंदर उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन को दे देता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को दो प्रकार से व्यय करते हैं। पहले कुछ भाग जो होता है वो धातु की सतह से बाहर निकलने में व्यय करते हैं, और जो कुछ भाग बचता है उस भाग को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय कर देते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस तरीके से अगर हम मान लें कि जो धातु की सतह का कार्यफलन है वो हमारा डब्लू है, ठीक है। कार्यफलन की परिभाषा आप सभी लोग जानते हो, वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है वह उस धातु का कार्यफलन कहलाती है। कार्यफलन को भैया हम W से प्रदर्शित करते हैं, और W बराबर आपका होता है एच न्यू नाट, जहां न्यू नाट होती है भैया देहली आवृत्ति। क्लियर है? तो यहां पर अगर हम मान लें कि जो ये हमारी धातु है,
ठीक, धातु की सतह है। इस धातु का अगर कार्य फलन कितना मान लें हम W, मैंने लिखा है। यदि आप बाकी लैंग्वेज जो मैंने बोला है मैंने लिख दिया है इसीलिए कि आपको किसी प्रकार की टेंशन हो, मैंने जो भी आपको समझा वही लैंग्वेज मैंने सरल भाषा में यहाँ पर लिख दिया है। ये लैंग्वेज आपको लिखना है कि प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। एक फोटॉन की ऊर्जा एच नहीं होती है। और आगे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जहाँ एच होता है प्लैंक नियतांक, जिसका मान भी आप लिख सकते हो 6.624 × 10⁻³⁴ जूल प्रति कूलम। न्यू होती यहाँ पर आवृत्ति। फिर नई लाइन से लिखोगे, जब किसी धातु की सतह पर प्रकाश हम आपतित करते हैं तो फोटॉन अपनी ऊर्जा, क्योंकि प्रकाश को क्या होता है फोटॉनों के रूप में चलता है, तो यह क्या करता है फोटॉन अपनी ऊर्जा एच न्यू को धातु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर देता है। और इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को दो प्रकार से व्यय करता है, धातु की सतह से बाहर निकलने में और गतिज ऊर्जा प्रदान करने में व्यय करते हैं। ठीक, अब मैं मान लेता हूं कि जो धातु का कार्यफलन है वो W है तथा अधिकतम जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी भैया Ek है। ई का मतलब एनर्जी, के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। अधिकतम गतिज ऊर्जा मान लेते हैं Ek है। क्यों? क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो दो प्रकार से अपनी जो एनर्जी प्राप्त करते हैं दो प्रकार से व्यय करते हैं, एक धातु की सतह से बाहर निकलने में, ठीक, जो कि कार्यफलन हो जाएगा, मैंने कार्यफलन की परिभाषा भी आपको बताई, और दूसरा गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो अगर मैं मान लूं कि गतिज ऊर्जा जो है आपकी Ek है, तो उपरोक्त व्याख्या के अनुसार, व्याख्या ये कहती है कि जो फोटॉन हमारी एनर्जी देता है, एनर्जी कितनी देता है Hν, ये Hν एनर्जी दो प्रकार से भी होती है, एक तो कार्यफलन में यानी W में मतलब बाहर निकलने में, और जो कुछ भाग बचता भी है इसका Hν का तो वो किस में व्यय करते हैं गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो गतिज ऊर्जा हमने मानी कितनी भैया Ek, तो मैंने Ek लिख दिया, एकदम सिंपल है कि नहीं सिंपल है। आप यहाँ पर देखिए, आप लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं W बराबर क्या होता है Hν होता है, Hν₀ होता है, तो Hν₀ लिख दिया और प्लस का हमने Ek लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है, तो आप मैक्स लिख सकते हो। ठीक है, या यहाँ मैक्स ना लिखना चाहो तो अधिक गतिज ऊर्जा का फार्मूला तो क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, के बराबर कितना होता है ½mv² होता है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान की बात करें, अगर हम m मान लें और उनका वेग मान लें v है, तो उनकी जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी वो ½mv² हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, ये Hν₀ को इधर ले आएंगे, Hν₀ और Ek का स्थान पर ले सकते हैं ½mv² max, क्योंकि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होती है वो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है ना, तो यहाँ पर ½mv² max मैंने लिख दिया है। अब क्या करेंगे, इन दोनों में हम क्या कॉमन ले लेंगे भैया, एच कॉमन ले लेंगे। क्लियर है, जब H कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा न्यू माइनस का न्यू₀ इक्वल टू ½mv² और ये आपका हो जाएगा मैक्स। इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन मिल गई, H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू₀ बराबर ½mv² mv² max। आप चाहो तो Ek भी लिख सकते हो, जो कि काइनेटिक एनर्जी कही जाएगी। तो इस तरीके से जो ये आपको प्राप्त समीकरण हुई है वह समीकरण क्या कहलाती है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाती है। आप लिखोगे यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है, प्रकाश वैद्युत समीकरण है। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतनी सरल लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को पहले इसकी थ्योरी बताई, फिर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चलते गए और मैंने आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण को यहाँ पर उत्पन्न कर दिया। बताइए, बहुत ही सरल लैंग्वेज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और बहुत बड़ा ये वीडियो नहीं रहा, आप देख सकते हो मैक्सिमम 8 मिनट का वीडियो ये गया है। और इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है वो निकालना आ गया होगा, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों को लगातार हम बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करा रहे हैं वीडियो के माध्यम से। चलिए, मिलेंगे आपको हम फिर पुनः एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।